नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों, SSC स्टेनोग्राफर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा होगा, तो हम बता दें आपको कि 2020-21 का जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो हमने आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पूरा अपना तैयार किया है आपके लिए। ठीक है, आपको जो टारगेट बनाना है इस पैटर्न के आधार पर ही बनाना होगा। ठीक है, अगर आपके पास पुराना या कोई पहला एग्जाम पैटर्न है तो उसको भूल जाइए, क्योंकि जो नया पैटर्न है वही आपके काम आने वाला है। और दूसरी बात, आपका ये जो एग्जाम पैटर्न हम बताने वाले हैं आपके साथ सिमिलर भी हो सकता है, मतलब आपके जैसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपडेट होंगे तो आपके जैसा भी हो सकता है। और हमने जो बनाया है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, इसमें एक नहीं बहुत सारी जानकारी बताएंगे आपको। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के अलावा भी 2-3 जानकारी इसके अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, SSC स्टेनोग्राफर, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, अब देखिए इसमें पार्ट 1 में आ जाता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एग्जाम होता है। ठीक है, और पार्ट 2 में आपका होता है जनरल अवेयरनेस, और पार्ट 3 में होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब इसके जो नंबर स्ट्रक्चर है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर इसके नंबर स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे होंगे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 50 और नंबर है आपके 50, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी आपके नंबर 50 है, मतलब हर क्वेश्चन पे 1 नंबर। और थर्ड नंबर की बात आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर के, मतलब आपका पूरा पेपर होता है 200 नंबर का। ठीक है, अब इसमें जो अगली बात है वो बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें टाइम आपको 2 घंटे का ही मिलेगा, इसमें 2 घंटे 40 मिनट का टाइम आपको दिया गया है, ये आपके लिए नहीं है, इसके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी होती हैं जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो किन किन के लिए वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, वो हम नहीं बता सकते। ठीक है, हम बता सकते हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं, वो आप उसमें देख लेना, लेकिन इतना बता रहे हैं कि आपको केवल 2 घंटे का ही टाइम मिलेगा, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। आपको तैयारी इसी के साथ रणनीति बनानी होगी, अपना टाइम टेबल तैयार कर लीजिएगा। एक और चीज़ आपके लिए रह जाती है जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों इसमें हम बता दें आपको, इसमें 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एक गलत क्वेश्चन पर आपके 0.25 सही नंबर काट लिए जाएंगे, इसी की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट रह जाते हैं। दोस्तों इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है आपका। ठीक है, और दोस्तों हमको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे इस चैनल पर यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारी प्यारी भरी राम राम।